छोटा सा संशोधन मात्र हम लेकर आए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम ये संशोधन लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर इस संशोधन को करने मात्र से ही लघु और सूक्ष्म जो हमारे उद्यमी हैं उनका कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आपने जो 3 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष किया है, मैं इस विधेयक के मार्फत आपसे मांग करना चाहती हूँ और इसमें ये जोड़ा जाए कि 3 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए। हमारा जो 2023 है मार्च, उसी से अभी से ही उसकी तारीख को निश्चित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि हम सबने देखा है 2 वर्ष हमारे कोरोना काल में निकल गए। इसको कहीं ना कहीं जो सीमा को जो 2 वर्ष हमारा और 2 वर्ष बढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो। आपने 2 वर्ष तो वैसे ही हमारे निकल गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि आप अभी जो सम्मान्य मान्य सदस्य बोल रहे थे कि एकल खिड़की पर ही सारी समस्याओं का उद्योगों हमारे उद्यमी उनकी समस्याओं का समाधान करने में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो हमारे उद्यमी हैं जो SME हैं उनकी पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं 10 साल तक रामगंज मंडी से विधायक रही हूं। छोटी छोटी इकाइयाँ हमारी कोटा स्टोन की वहां पर लगी हुई है, धनिए की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, तो इस तरह से जो हमारे उद्यमी हैं उनको एक छोटा सा NOC लेने के लिए जो सरकार ने, मैं कहूँगी कि इस विधेयक को हम लेकर आए, लेकिन हमें इस विधेयक में ये भी जोड़ना चाहिए कि जो हम इसमें NOC का जो लाइसेंस का जो प्रावधान ने सभी लाइसेंस को एक में ही मर्ज किया जाए, क्योंकि उद्यमी को जब उद्योग लगाता है तो उसे 8 से 9 तरह का उसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। सोप एक्ट का भी लाइसेंस उसको लेना पड़ता है, फैक्ट्री का भी लाइसेंस उसको लेना पड़ता है, ESI का भी लाइसेंस उसको लेना पड़ता है, PF का भी लाइसेंस लेना पड़ता है और एक्सप्लोजिव लाइसेंस भी उसको लेना पड़ता है, साथ ही साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है वो भी लेना पड़ता है। इस तरह से 8-9 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर इसको एक में मर्ज करेंगे तो जो हमारा उद्यमी है उसको इतना बड़ा लाभ होगा कि जो अधिकारियों के चक्कर काटते हैं और बिना पैसों के NOC नहीं मिलती, क्योंकि मैं खुद इस बात को भुगत भोगी हूँ, मैं बता सकती हूँ कि अधिकारियों के लगातार चक्कर काटकर पैसा खर्च कर ही उद्यमी को इसकी NOC जारी की जाती है, तो इस प्रावधान को हम इसमें जोड़ें, इतना सा मेरा आपसे निवेदन है। और साथ ही साथ ये भी निवेदन करूँगी मैं कि हम इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी करें। बिना गजट नोटिफिकेशन के हम समझ सकते हैं कि एक उद्यमी को कितनी बड़ी परेशानी होती है, उनकी पीड़ा को हम लोग जानें। और साथ ही साथ हम इस विधेयक के साथ अगर ये प्रावधान भी रखते कि जो हमारी नगर पालिका की जो सीमाएं हैं, जैसे कि रामगंज मंडी का आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, हमारी 30-32 नगर पंचायतें उससे जुड़ी हुई है, पेराफेरी एरिया में आती है। आप देखिए, जब एक उद्यमी कोई उद्योग लगाता है तो उसको 4 लाख रुपए खर्च करके जमीन उसकी परिवर्तन भू रूपांतरण होता है, क्योंकि पेराफेरी एरिया है। और अगर आप इस नियम को, इस नॉर्म्स को हटाते हो तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहूँगी 5,000 बीघा जमीन का भू रूपांतरण रामगंज मंडी में हो सकता है, और जो 25,000 में मात्र उस उद्यमी का काम चल सकता है। तो हमें विधेयक लाने के पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन छोटे छोटे प्रावधानों को अगर उन विधेयक में हम जोड़ते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं, तो हमारे उद्यमी और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगी कि हम रिको एरिया घोषित करते हैं, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ, जैसे कि रामगंज मंडी का उदाहरण लीजिए, फतेहपुर हमारा रिको एरिया है, आज 12 से 13 साल हो जाने के बावजूद भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। जब नगर पालिका 4 लाख रुपए उद्यमी से लेती है तो किस बात के लेती है? वहाँ बिजली का भी उन्हें सुविधा देनी चाहिए, वहाँ सड़कें बनानी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह की जो परेशानी आती है उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ राजस्थान की जो हमारी छोटी छोटे उद्योग हैं, जो हमारी रुग्ण इकाइयाँ हैं, उन्हें जीवित करने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए, इस विधेयक में जोड़ना चाहिए कि उसके लिए चाहे ऋण में आसानी करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऋण मिले। हमने कोरोना काल में देखा,
2000 करोड़ का हमें आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कुछ प्रावधान किया देने का। लेकिन जब एक छोटा सा उद्योग कोई बंधु लगाता है, व्यापारी लगाता है, तो उसे ऋण के लिए लगातार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वहाँ भी हमारा इंटरफेयर होना चाहिए। मैं ये मांग करती हूँ कि जो मैंने संशोधन विधेयक दिया है उसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद।